वेलकम बैक टू माई चैनल निकू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली जो मैंने तीज पे ज्वेलरी वगैरह पहनी थी उसके काफ़ी ज़्यादा मुझे ये DM आए हुए हैं कि आपने कहाँ से लिया था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ। आप लोग इतने प्यार से मुझसे बार बार चीज़ें पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लिया था। तो मैंने कुछ चीज़ें ली थी मीशो से एंड कुछ चीज़ें ली थी मैंने अमेजोन से। जो मैंने मीशो से लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। एंड जो अमेजोन से लिया था मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो वीडियो लाइव हो चुकी है या आगे आएगी लाइव, बट शेयर ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मीशो क्या है। मीशो एक बहुत ही बड़ा इंडिया का ऐप है जहाँ पे आप लोग घर बैठे छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एंड खूब सारी शॉपिंग कर सकते हो अपने लिए और अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ सबसे पहले मैंने क्या लिया था। तो मैंने जो सबसे पहले पहना था चूड़ा, जिसके लिए आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी। तो ये चूड़ा जो मैंने मीशो से लिया था और ये मुझे 1100 रुपीज़ में मिला था। और चूड़े की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। जो साइड में आप लोगों ने कड़ा देख सकते हो, ये AD नग है, शायद AD का कड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इस चूड़े की जो क्वालिटी है काफ़ी सुंदर है, 1100 रुपये में और इस तरीके से बॉक्स में आपको पैक होके मिलेगा। तो ये चूड़ा मैंने मीशो से लिया था। इनके कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप कोड चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐप लिंक भी मैं दे दूंगी जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मैंने पहना था एक कमरबंद, जिसके लिए आप सबने पूछा कि आपने ये कमरबंद कहाँ से लिया है। तो ये है कमरबंद जो मैंने मीशो से ही लिया था, आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर क्वालिटी में है। ये मुझे 300 या 400 रुपये मिला था। इसकी जो चेन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगी, देख सकते हो। और ये बहुत सुंदर लग रहा था, एक डिफरेंट लुक आ रहा था। सबने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया उस लुक के लिए एंड बहुत सारी तारीफ भी की सबने कि आपके एक एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने एक एक चीज़ अलग अलग वेबसाइट से ढूंढ ढूंढ के लिया था अपने लिए, इसीलिए मेरी थोड़ी सी मेहनत लगी थी और मैं काफ़ी दिनों से लगी हुई थी। कुछ डिफरेंट लुक मुझे करना था और जो मैंने किया कुछ डिफरेंट में लग रही थी। एंड उसके बाद मैंने एक ये मांगटीका लिया था, बट मैंने ये पहना नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था ये कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये पहना नहीं। ये माथा पट्टी वाला मांगटीका है, ये बहुत हैवी लुक देता, ब्राइडल वगैरह पे ये शायद अच्छा लगता है और मुझे लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको पहना नहीं। देखते हैं अगर अच्छा लगा तो फिर कभी पहनूंगी, बट अभी तो मैंने ये नहीं पहना। तो आप ये मांगटीका का भी कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको इस तरीके की माथा पट्टी अच्छी लगती है वो ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूंगी। और ये इस तरीके के बॉक्स के साथ आपको मिलेगा, तो टूटने फूटने का कोई डर नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा या ये, इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल ना डरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद सबसे रिक्वेस्ट जिस चीज़ के लिए आई है वो शेयर करती हूँ, इस नेक पीस की जो कि मैंने पहना था, चोकर था और उसके जो नीचे का था वो मैंने अमेजोन से लिया था। मैंने अलग अलग करके मतलब मिक्स मैच किया था, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा कि सब कुछ एक ही जैसा था, बट नहीं, सब कुछ अलग अलग सा था। तो ये नेक पीस जो कि 1100 रुपये में मुझे मिला था और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। इस तरीके का यूनिक सा पीस मेरे पास नहीं था नेक पीस, ये बहुत डिफरेंट है, इस तरीके का नेक पीस मेरे पास नहीं था और बहुत ही प्यारी क्वालिटी में है। ये चीज़ बहुत सुंदर है इसकी, ये जो पत्थर से हैं, ये पता नहीं क्या है बट बहुत हैवी है, वेट भी है इसमें, लाइट वेट नहीं है, थोड़ा सा वेट है एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। इस तरीके का आपको मिल जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जितना आपको लेंथ रखना है उसके हिसाब से आप लोग रख सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, आप लोग चेक करना, इसका भी कोड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके साथ मुझे मिले थे 2 ईयरिंग्स जो कि ये हैं, और इस ईयरिंग्स में जो पीछे मैंने चेन पहनी थी वो मैंने अमेजोन से लिया था, वो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो ये ईयरिंग्स लिए थे, ये ईयरिंग्स भी बहुत सुंदर है, इस तरीके के बॉक्स में आपको पैक होकर मिलेगा, बहुत अच्छे से पैकेजिंग आई थी। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्रीन, ब्लू और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको ठीक लगता है कलर वो आप लोग ले सकते हो, बहुत सारे कलर ऑप्शन है इसमें, तो आप लोग ये भी चेक कर लेना। उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास है, दिखाती हूँ, तो मेरे पास है ये हेयर नकली, जो भी बोलते हैं हेयर एक्सटेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये है जो कि काफ़ी लंबा है, आप लोग देख सकते हो। तो ये मैंने इसलिए लिया था ना क्योंकि अभी ये छुट्टियाँ भी हुई है, क्योंकि मैंने इसको इसमें जूड़ा बनाया था, मेरे जो हेयर से मैंने स्मूदनिंग करा ली अपने हेयर में, तो मेरे जो जूड़ा है ना वो बहुत छोटा बन रहा था, बड़ा बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने, मेरे को पहले ही पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है एंड बाहर बारिश आ रही है तो उसकी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने इसलिए ये लिया था। और मैंने क्या किया ना, इसको अच्छे से वो करके जल्दी जल्दी में अपना एक हेयर स्टाइल क्रिएट किया था, वो मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया था। मैंने उसका वीडियो अलग से शूट किया हुआ है, तो मैं बहुत जल्दी लाइव करूंगी या लाइव कर चुकी होंगी इस वीडियो को जाने से पहले या जाने के बाद। तो ये भी आप ले सकते हो, ये मुझे 300-400 रुपीज़ में मिला था और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। उसके बाद मैंने क्या लिया था आपको दिखा दूँ, तो नेक्स्ट जो मैंने लिया था वो लिए थे ये ईयरिंग्स,
और इसके साथ है मांग टीका। ये मुझे 800 रुपीज़ में मिला था। मैंने ये इसलिए लिया था कि अगर नेक पीस मेरा टाइम पे डिलीवर नहीं होगा तो मैं ये पहन लूँगी। मैंने इसलिए 2-3 चीज़ें ऑप्शन में रखा था कि मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं ये पहन लूँगी, ये नहीं मिलेगा तो ये पहन लूँगी, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था। बट ये मुझे आज रिसीव हुआ है तीज के एक दिन बाद, तो ये लेट था, नेक पीस बिल्कुल टाइम पर आ गया था। तो होता है ना, जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसको मिल ही जाता है, तो वही बात है। तो ये बहुत सुंदर है, ये भी अच्छी क्वालिटी में है, आप लोग चेक कर सकते हो। 800 रुपीज़ में मुझे मिला है। डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है इस नेक पीस का, तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ये सुंदर सी साड़ी जो मैंने ऐसे पैक करके रखी हुई है। ये साड़ी मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर किया है, मैंने पहनी थी ये साड़ी जब मैं मेहंदी लगवाने जा रही थी, तो उस ब्लॉग में मैंने ये साड़ी पहनी थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली है, तो मैंने ये साड़ी ली है मीशो से। साइड में आप देख सकते हो, इसलिए मैं ऐसे ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, साइड में देख सकते हो, नेवी ब्लू कलर में है, जॉर्जेट फैब्रिक में है और इस पर हैंड वर्क किया गया है, तो वर्क काफ़ी सुंदर है। बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही सिंपल साड़ी है जो काफ़ी कंफर्टेबल होगा आप पहनोगे तो, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस साड़ी को पहनने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट साड़ी है मेरे पास वो है ये वाली साड़ी। और ये जो साड़ी है मैंने देखी थी स्क्रीन पे, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये साड़ी, आप लोग देख सकते हो। इसका जो हैवी ब्लाउज़ है, इसका ब्लाउज़ काफ़ी हैवी है, इसका फैब्रिक है जॉर्जेट, इसमें बेबी पिंक और पिंक, डार्क पिंक, रानी पिंक, इसका कॉम्बिनेशन है इस साड़ी का। तो ये साड़ी भी काफ़ी सुंदर है, आप लोग देख सकते हो, इतना चौड़ा सा इसका बॉर्डर है, इस पूरी साड़ी में इतना चौड़ा बॉर्डर है। तो ये साड़ी भी आप लोग चेक करना, आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, जॉर्जेट फैब्रिक में है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, तो नेक्स्ट है मेरे पास अगेन एक बहुत ही प्यारा सा नेक पीस, और ये मुझे 400 रुपये में मिला, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिला मुझे। ये मिला है नथ इसके साथ, मैं आपको दिखाती हूँ नेक पीस, पूरा सेट था ये नथ मिला है मुझे, इस तरीके का नथ है और नथ मिला है, और मैं बताती हूँ क्या क्या मिला है मुझे। एंड मिला है मुझे ये माथा पट्टी, और माथा पट्टी, और इसके साथ मिला है ये इयरिंग्स, और इसके साथ मिला है ये नेक पीस और ये छोटे छोटे इयरिंग्स। तो ये मुझे 400 रुपये में मिला है, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस है 400 रुपये में इतनी सारी चीज़ें। साइड में मैंने इमेज दे दिया है, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके का दिखता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में है। तो यही सारी चीज़ें ली है मैंने मीशो से। आई होप आपको ये छोटा सा हॉल वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपना खूब सारा प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए कि मैं और हॉल वीडियोस लेके आती रहूँ। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा ये बारिश की आवाज़ से इरिटेट हो रहे हो, बट उसके लिए हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है ये बारिश के शोर से, बट मैं क्या करूँ। तो चलते हैं, आप लोग पहले ये वीडियो देख लो जो आपको किस तरीके से ऑर्डर करना है एंड किस तरीके से व्हाट्सएप एंड फैमिली। तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मीशो ऐप डाउनलोड करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कितनी सारी कैटेगरीज में चीज़ें दिख रही हैं, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप वो बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, जैसे सूट, साड़ी, जो भी चाहिए आपको वो सब कुछ मिलेगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किड्स वेयर, सब कुछ। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, एंड यहाँ पर मैंने अपना साइज सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हो ऐड टू कार्ट में चला गया। फिर यहाँ से अगर आपको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो, कैश ऑन करना है कैश ऑन करो, एंड प्रोसीड कर दो। यहाँ पर अपना मार्जिन सेट कर लो, मतलब जितना प्राइस है उसके बाद आपको कितने में बेचना है वो सेट कर लो, वो आपको बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पे आप सेट कर लो, जैसे कि कोई चीज़ 200 की है तो आप 250 करोगे, तो जो 50 रुपये है वो आपके बैंक अकाउंट में आपका प्रॉफिट होगा जो आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। बट आपको खुद के लिए करना है तो वो मार्जिन उतना ही रखना जितना प्राइस है प्रोडक्ट का। एंड उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि मीशो पर आपको सेफ्टी के साथ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सैनिटाइज होके, एंड सारे जो उनके वर्कर्स वो कितने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। और उसके बाद चलो अब मैं आपको बताती हूँ आपको शेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे शेयर नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो इस तरीके से, जैसे कि आपको कुछ बेचना है तो शेयर करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।